नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, मीरा भाईंदर वसा विहार आयुक्तालय की पुलिस ने इस समय एक अंतर्राज्यीय ड्रग माफिया को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस पूरे गिरोह में 15 लोग थे, उन 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे 1-2 लाख रुपए नहीं बल्कि करोड़ रुपए भी नहीं तो 327 करोड़ रुपए की माल की जब्ती हुई है। मीरा भाईंदर वसा विहार आयुक्तालय अंतर्गत एक बहुत बड़ी कार्यवाही इस समय पुलिस द्वारा अंजाम दी गई है। इस कार्यवाही में आज मीरा भाईंदर वसा विहार आयुक्तालय के आयुक्त मधुकर पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को उसकी जानकारी दी। मधुकर पांडे ने क्या कुछ कहा वो आप वीडियो के अगले पार्ट में आगे जरूर देखेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरी कार्य जो पुलिस की ये कामगिरी है इसमें क्राइम यूनिट 1 ने काफी बेहतरीन काम करते हुए 15 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है और संभावना ऐसी जताई जा रही है कि एक बहुत बड़ा रैकेट था, अंतर्राज्यीय रैकेट था जिसमें अंडरवर्ल्ड से संबंधित लोग भी थे, जिसका मास्टरमाइंड है वो बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड में पहले काम कर चुका है, उसके वहां से संबंध रह चुके हैं। तो ऐसे लोगों के गिरफ्तार कर वहां से पूरा एक ड्रग रैकेट है उसको पुलिस ने बस्ट किया है और उसमें 327 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी राशि की मुद्दे माल पुलिस ने जब्त किया है। आपको बता दें मीरा भाईंदर अंतर्गत काशीमीरा क्राइम यूनिट 1 ने उनको मई महीने में एक गुप्त सूचना मिली और उस पर उन्होंने जो काम करना शुरू किया उसके बाद कड़ी से कड़ी मिलाते गए और इस पूरे मामले को उजागर किया। इस मामले में अभी फिलहाल 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस आयुक्त ने और भी लोगों के इसमें शामिल होने की संभावना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नकारा नहीं जा सकता, ये रैकेट काफी बड़ा था, अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन इसमें जो आरोपी पकड़े गए उसमें कुछ आरोपी महाराष्ट्र के हैं, कुछ तेलंगाना के हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं तो कुछ गुजरात के हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह था, इनको अलग अलग जगह जाकर पुलिस ने करीब करीब 1.5-2 महीने की पूरी मशक्कत के बाद इस तरह से इन आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इनके पास से, मैंने जैसा आगे बताया, पास से 327 करोड़ रुपए कीमत के ड्रग्स बनाने के कच्चे माल को बरामद किया गया है। तो वो रोकड़, उसमें कई चीजें, गाड़ियां, इस तरह से पूरा का पूरा ये एक बड़ा जो रैकेट है आज मीरा भाईंदर वसा विहार आयुक्तालय ने उसको उजागर किया है, उसके आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। मीरा भाईंदर वसा विहार आयुक्तालय का गठन हुआ तब से मीरा भाईंदर वसा विहार आयुक्तालय अंतर्गत लगातार क्राइम के बढ़ने की खबरें आ रही है, लेकिन साथ ही साथ क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में भी मीरा भाईंदर का रिकॉर्ड काफी अच्छा है और बड़े बड़े मामले मीरा भाईंदर वसा विहार आयुक्तालय में अभी पिछले कुछ सालों में सुलझाए गए, उजागर किए गए। जिसमें एक मामला आज का उदाहरण है, एक बीते दिनों जो अंतर्राज्यीय गिरोह से बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां पकड़ी गई थी वैसा मामला था, उसके पहले भी इसी तरह का एक गाड़ी का मामला था। ऐसे कई मामले हैं जिनको मीरा भाईंदर वसा विहार पुलिस ने उजागर किया है। तो कहीं ना कहीं क्राइम जरूर बढ़ा है लेकिन डिटेक्शन रेट है उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई, एक अच्छी बात कही जाएगी। सुनिए आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है मीरा भाईंदर वसा विहार आयुक्त मधुकर पांडे का। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। भाईंदर वसा विहार में एक इंटर स्टेट ड्रग कार्टल का को बस्ट किया है। इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमको 15 मई को एक बार मिली थी, जिस दिन हम लोगों ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था। उसकी जो इन्फॉर्मेशन मिली, उस इन्फॉर्मेशन के बाद उनसे इंटरोगेशन करने के बाद उनका जो भी उनके पास से हमने जब्त किया उसका टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद हमने बाद में जाके तेलंगाना में 2 लोगों को और अरेस्ट किया। उसके बाद में एक और इन्फॉर्मेशन जब मिली तो उसमें हम लोगों ने फिर
यूपी में एक बंदे को अरेस्ट किया, बाद में एक गणेशपुरी में एक बंदे को अरेस्ट किया जो पड़गा में एक छोटी फैक्ट्री चला रहा था, गोरेगांव से कुछ लोगों को अरेस्ट किया, और बाद में फिर से लखनऊ से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, फिर वसई से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। इस तरीके से एक व्यक्ति जो इसका मनी हैंडलिंग करता था उसको सूरत से अरेस्ट किया। कुल मिलाकर हम लोगों ने इस केस में टोटल 15 लोगों को पकड़ा है, 6 लोगों को और फिलहाल पकड़ना है, और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हमारे आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। इसमें टोटल 2.4 करोड़ की फाइन एमडी और 325 करोड़ रुपए की तकरीबन रॉ एमडी हमने जब्त की है। इसके अलावा एक जो शुभम सिंह नाम का आरोपी है उसके पास से 3 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 33 लाइव कार्ट्रेज हमने जब्त की है। 2 गाड़ियां जब्त हुई हैं, 17 लाख रुपए का कैश जब्त हुआ है और कुल मिलाकर 327 करोड़ का जब्ती हुई है। इसमें जो सूत्रधार मुख्य जिसका हमारे इन्वेस्टिगेशन में नाम सामने आ रहा है वो है सलीम डोड़ा। सलीम डोड़ा जो है इसके ऊपर में इससे पहले भी एनडीपीएस के पुराने केसेस वगैरह हैं, और अभी कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ में एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया, ऐसा हमको पता चल रहा है। इसका सलीम डोड़ा जो है एक टाइम में दाऊद इब्राहिम गैंग से उसका संबंध हुआ करता था। हम लोग इस केस में जितना भी आगे इन्वेस्टिगेशन है वो कर रहे हैं, और करने के बाद में आगे जो कुछ भी सामने आएगा उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।